हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरभिस एटलेयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे मैंने स्पेशली नवरात्रा के लिए डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक के कुछ बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, कॉटन के थ्रेड जिसमें येलो, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर हम यूज़ करेंगे, कुछ राउंड शेप के मिरर्स, और नीचे लटकन लटकाने के लिए हमें कुछ इस टाइप के वुडन बीड्स चाहिए और हम कुछ कोड़ियों का भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें हमारे प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर थ्रेड को लपेटना है। फ्रेंड्स, थ्रेड लपेटते हुए आप लोगों को बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा थ्रेड ओवरलैप नहीं हो और दूसरा बीच में गैप नहीं आए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बैंगल्स तैयार करके रखे हुए हैं जिसे मैंने येलो और ग्रीन कलर में तैयार किया है। तो फ्रेंड, अब हम सबसे पहले ये मीडियम साइज़ का जो हमारा बैंगल है इसके ऊपर वर्क करेंगे। ये मैंने बैंगल बिल्कुल सिंपल रखा है फ्रेंड्स। इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा बैंगल है उसके सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्लू को लगाना है। जब हम ग्लू लगाएंगे तो हम लोग इसमें सेंटर में मिरर प्लेस करेंगे। मिरर के बीच में हम लोग गैप नहीं रखेंगे, बिल्कुल मिला मिला के हम लोगों को मिरर्स को चिपकाना है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो वन बाय वन इसी तरीके से हमें पूरे बैंगल के ऊपर सेंटर में मिरर को लगा लेना है। तो चलिए ये मैं जल्दी से लगा लेती हूँ फ्रेंड। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैंगल के ऊपर मिरर पूरी तरह से लग चुके हैं। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, साइड में जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल साइड साइड में हमें इस तरीके से ग्लू को लगा लेना है दोनों साइड में। और फिर उसके बाद, जैसे हमारी ग्रीन कलर का बैंगल है तो मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। रेड कलर का थ्रेड हमें इस तरह से साइड में लगा लेना है। ये देखिए, और फिर एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे, एज को चिपका लेंगे, इसको हम थ्रेड को हम कट कर लेते हैं। और अब हम दूसरी साइड में भी सेम तरीके से थ्रेड को लगाएंगे। सबसे पहले अगेन हम लोग पहले ग्लू लगाएंगे साइड में, बिल्कुल सबसे पहले ग्लू लगाएंगे और फिर उसके बाद थ्रेड को लगा लेंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा ये वाला बैंगल तैयार हो गया है। और मैंने ऑलरेडी तीन बैंगल तैयार करके रखे हैं तो हमारे बैंगल कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अब हम हमारे सबसे छोटे साइज़ वाले बैंगल के ऊपर वर्क करेंगे फ्रेंड। तो वर्क करने से पहले, वैसे मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंटर वाला पीस हमारा हैवी रहता है, साइड वाला हैवी रहता है, और जो हमारा सबसे छोटा वाला साइज़ है उसको हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे। तो इसमें मैं फ्रेंड लटकन लटका रही हूँ, बहुत ही छोटी सी लटकन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं जिसके लिए मैं कौड़ियों का यूज़ करूँगी। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके से हमें दो कौड़ी लेनी है, उनको हमने एक सुई में सिंगल धागे में पिरा लिया है। और अब हम
इन दोनों कोड़ियों को के धागों को मिक्स करके और एक वुडन बीट इसमें ऐसे पिरो लेंगे। और उसके बाद ये हमारी बिल्कुल छोटी सी एक लटकन तैयार हो गई है और अब हम इसको हमारे इस बैंगल में टाई कर लेंगे। तो अब हमने इसको इसमें बांध दिया है अच्छे से। डबल ट्रिपल नोट आप इसमें लगा लें और एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड होगा उसको आप कट कर लेंगे। ये लीजिए, हमने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद जो हमारी नोट आई है उसको थोड़ा सा खिसकाने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा थोड़ा सा नीचे करके हम जो हमारा ये वुडन बीड है इसके अंदर नोट को ले आएंगे ताकि हमारी नोट दिखाई नहीं दे और फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये देखिए, ये पोर्शन हमारा अंदर चला गया है और अब सिर्फ लटकन दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हल्का सा ग्लू लगा के हमारे धागे को चिपका लेंगे, सिक्योर उसको कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्लू लगा दिया है हमने। अब हम बैंगल के ऊपर हमारे पास ये फैब्रिक 3D आउटलाइनिंग का कोन है तो उससे सिर्फ सिंपल हम लोग इस तरह से लाइट ग्रीन कलर के डॉट्स बना लेंगे पूरे बैंगल में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थोड़े थोड़े गैप के बाद इस तरीके से हमें ये लगाना है, यूज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये 3D आउटलाइनर नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर डॉट्स लगाए हैं, ज़रूरी नहीं है डॉट्स भी लगाए जाएं, आप उसमें इसको बैंगल को सेट में प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बैंगल तैयार है। ये फ्रेंड्स अभी गीला है बिल्कुल, तो मैंने ऑलरेडी दो बैंगल बनाए हुए हैं, ये ड्राई हैं, तो मैं इसको भी जल्दी से पूरा कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें चार बैंगल हमारे तैयार करने हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारे मेन बैंगल के ऊपर। इसका डिज़ाइन भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो चलिए इसको शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले, जैसा आपने देखा, हम लोगों ने ग्लू लगाया है और ग्लू लगाने के बाद हमने उसके ऊपर इस तरीके से मिरर को प्लेस कर दिया है। तो सेंटर में एक मिरर है और उसके तीनों तरफ हमने मिरर्स को लगा लिया है। फिर फ्रेंड्स, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग इस तरीके से सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये देखिए, ग्लू लगाया और ग्लू लगाने के बाद फिर हमने मिरर्स को लगा लिया है। फिर अब इन दोनों का सेंटर हम लोग ले लेंगे। तो हम जैसे ये, और फिर इसके सेंटर में हम यहाँ पर इस तरह से पहले ग्लू लगाएंगे और फिर मिरर्स को लगा लेंगे। ये देखिए, ये भी लग गया है। तो इस तरह से हमारे तीन फ्लावर हो गए हैं। अब एक के यहाँ पर नीचे फोर्थ फ्लावर हम लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ा सा गलती से उल्टा कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट भी कर लिया है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो हमारे चार फ्लावर होंगे वो तो सेम डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे साइड वाले के जो चार फ्लावर होंगे, यानी कि मिडल का जो एरिया बचा है, उसमें जो हम फ्लावर लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से एट फ्लावर टोटली हो जाएंगे। फोर एक डायरेक्शन में आएंगे और फोर फ्लावर्स एक डायरेक्शन में आएंगे। तो मैंने पूरे में ग्लू लगा लिया है और अब हम इस तरीके से दोबारा मिरर को प्लेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी फ्रेंड्स पेज बना हुआ है, सुरभीज एटलेयर के नाम से ही, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा आप। ये देखिए, हम लोग जल्दी से हमारे पूरे फ्लावर्स में इस तरह से मिरर लगा लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मिरर वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमें जो फ्लावर है, जो हमने मिरर्स लगाए हैं, उनके चारों तरफ अच्छे से ग्लू को लगा लेना है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पहले ग्रीन कलर के थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ और ग्रीन कलर के थ्रेड से हमें हमारे मिरर्स को पूरी तरीके से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू आपके मिरर पर आ गया है उसको आप
एक ईयरबड को लेकर गीला करके उससे आप जब पूछेंगे मिरर्स को तो वो क्लीन हो जाएगा, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लें, आप अपना काम कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको हटा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से वन बाय वन एक एक मिरर को हम ग्रीन कलर से कवर कर लेंगे और ये वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे और एज को अच्छे से हम लोग चिपका लेंगे। ये देखिए एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक और फ्लावर, यानी कि देखिए फ्रेंड इसमें हमारे टोटल 8 फ्लावर्स हैं, तो 4 फ्लावर्स मैं बिल्कुल एक दूसरे के सामने जितने भी आ रहे हैं 4 फ्लावर्स को मैं ग्रीन कलर का कर रही हूँ, और जो हमारे अदर 4 फ्लावर्स हैं उनमें से 2 फ्लावर हम ब्लू कलर के करेंगे और 2 फ्लावर्स को हम रेड कलर का करेंगे। तो अभी हमारा वर्क ग्रीन कलर का चल रहा है, तो हम जल्दी से ये 4 फ्लावर्स को ग्रीन कलर के थ्रेड से कवर कर लेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया है, इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी हमारा एक फ्लावर रह रहा है जिस पर हमें थ्रेड को लगाना है ग्रीन कलर के। तो ग्लू हमने लगा लिया है और अब हम जल्दी से थ्रेड को लगा लेते हैं। तो लीजिए ये भी तैयार हो गया है। एज पर हमने हल्का सा ग्लू लगाया और उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स बीच का वीडियो मेरा थोड़ा सा कहीं पर मिस हो गया है, या तो वो शूट नहीं हो पाया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर देखिए जैसे हमने ग्रीन कलर का थ्रेड लगाया है फ्लावर्स पे, इसी तरीके से हम 2 फ्लावर्स में ब्लू कलर का थ्रेड को लगाएंगे सेम तरीके से। तो ये देखिए ब्लू कलर मैंने ऑलरेडी दोनों जगह पर लगा लिया है। अब हमारा बस रेड कलर का थ्रेड रहता है, तो उसको भी हम जल्दी से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक ग्लू लगाया और फिर उसके बाद अब हम रेड कलर के थ्रेड से हमारे फ्लावर्स को कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें रेड कलर को लगाना है, तो ये भी हमारा लग गया है। तो इसको हम थ्रेड को हम कट कर लेंगे, एच को चिपका लेंगे। तो अब एक फ्लावर रह गया है बस हमारा रेड कलर में, इसे भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट फ्लावर था जिसे हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया है रेड कलर में। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास अब हमारे सारे बैंगल्स तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इनको असेंबल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा पहले बनाया हुआ एक बैंगल है और इसके साथ हमारे साइड वाले बैंगल्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 बैंगल ही फिलहाल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 2 बैंगल अभी गीली हैं, तो मैंने उनको ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, अगर हम उन्हें टच करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नवरात्रि के अभी हमारा टाइम आने वाला है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा नवरात्रि के डिज़ाइंस पोस्ट कर रही हूँ। अभी मैं आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।